जय हिंद जय भारत। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, हटिए नहीं इस वीडियो से, क्योंकि आपको इस वीडियो से 20 मार्क कंफर्म है। और अगर आप लोग मिस कीजिएगा इस वीडियो को तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, और नहीं तो हम इस वीडियो से जो है आपको 20 मार्क जरूर देंगे। और इसलिए देंगे क्योंकि ये जो है हम बहुत ही इजी और VVI क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, वह जरूर देखिए। और इसमें जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर में लिख चुके हैं 20 मार्क पक्का आएगा। अब क्यों आएगा वो अभी हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का मास होता है। अगर दो लगातार सम संख्या लेते हैं तो उसका मास कितना होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं और इससे बाहर नहीं रहेगा। तो दो लगातार सम संख्या का मास होगा क्या, आपको ये समझना है। दो लगातार सम संख्या का मास क्या होगा, तो सम संख्या आप जानते हैं जो संख्या दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाते हैं यानी विभाजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो दो लगातार सम संख्या, यहाँ पर लेते हैं दो और चार, ये दो को क्या है, दो लगातार सम संख्या, उसका मास कितना होगा सो देखिए। अगर दो सम चार में मास देखा है तो दो दूनी चार, कितना हो गया मास, दो, कितना हो गया दो, इसका मास होगा दो, इसका आंसर क्या होगा दो। दो लगातार सम संख्याओं का मास कितना होगा दो, किसी भी प्रकार के आप दो लगातार सम संख्या लीजिए, हम दो चार लिए है, आप जो है ना 10-12 ले लीजिए, कितना 10 से 12 में मास कीजिए, 10 से 10 दो कट गया और 10 2 5 10 कितना हुआ देखिए दो। अगर किसी भी प्रकार के हम दो लगातार सम संख्या लेंगे, अगर हम उसका मास निकालेंगे तो उसका आंसर सिर्फ क्या होगा, दो होगा। तो आपका जो है यह एक नंबर कन्फर्म हो गया, क्या हो गया आपका एक नंबर कन्फर्म, यह क्वेश्चन जो है पक्का आएगा, 100 के 100% यह प्रश्न आएगा। इसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका जो है HCF यानी मास 17 है, तो LCM कितना होगा, यह भी क्वेश्चन पक्का आएगा। तो उसका हमें कहता है निकालने के लिए LCM, क्या कहता है LCM, तो LCM निकालेंगे, समझिए। तो LCM निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला जो होता है ना LCM निकालने के लिए, तो दो संख्या दिया हुआ है लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या दिया है HCF, तो दो संख्या जो है ये 8670, तो 8670 को ऊपर लिखेंगे और HCF कितना दिया है 17, HCF जो है 17 दिया है, तो गया। और इससे हम दे देंगे उसको भागा, तो होगा LCM बराबर होगा 510, उसका आंसर होगा 510। तो हो गया दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 और उसका जो है HCF दिया है 17, तो LCM कितना होगा 510। किसी प्रकार की उसमें परेशानी नहीं जाए, एक नंबर फिर आपका हो गया कन्फर्म। सीख लीजिए 8670 यानी जो हमें दो संख्या का दिया है इसको हम ऊपर देंगे और जो HCF दिया है उसको नीचे दे करके भागा कर देंगे, हो गया LCM। अगर LCM अगर दिया रहता है HCF कहते निकालने के लिए, इसमें भी यही तरीका देते। फिर बहुपद x²-16 का शून्यक होगा, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, बहुपद x²-16 का शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा, यह क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में आ रहा है और कन्फर्म जो है इस बार भी आएगा यह क्वेश्चन, और क्योंकि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए x²- क्या है 16, क्या है 16, इसका जो हमें शून्यक क्या होगा, शून्यक होगा क्या, तो देखिए तो x² इसको सबसे पहले बराबर कर लेते, माइनस अगर बराबर देंगे तो प्लस में होगा 16, क्योंकि बराबर होते इसको बराबर अगर कर देंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो गया प्लस में। अब देखिए इस स्क्वायर जो अगर हम हटाएंगे, स्क्वायर है ना ऊपर, एक्स के ऊपर क्या है स्क्वायर, एक्स में क्या लगा है स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, तो ये 16 जो है पहुंचेगा कहाँ, रूट में,
और इसको दे देंगे प्लस में, शून्य का घात है निकालने के लिए, अगर शून्य का घात है तो दो गो निकालते हैं, प्लस में एगो माइनस में, तो प्लस माइनस एक्स का मान होगा। अब देखिए, अब सोलह रूट में जो है रूट से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, रूट से निकालने के लिए इसका वर्गमूल करना होता है, वर्ग रूट से निकालने के लिए क्या करना होता है वर्ग। तो यहाँ पर सोलह का वर्ग क्या होगा, चार, चार चुकी सोलह चार प्लस माइनस, तो इसको इसको जो है ना हमें दो बार लिखना है, कितने बार लिखना है, दो बार इसको लिखना है। देखिए तो एक्स बराबर चार कोमा चार, एक बार माइनस में, एक बार ये होगा प्लस में, यह हो गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस सोलह का शून्य क्या होगा, प्लस चार माइनस चार, क्योंकि चार चूंकि सोलह, सोलह का वर्ग हो गया चार, प्लस माइनस में इसको लिख देना हो गया। ये भी आपको जो है एक नंबर फिर हो गया कन्फर्म। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दो पांच आठ ग्यारह का ग्यारहवां पद क्या होगा, ग्यारहवां पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए कितना जो है मजेदार क्वेश्चन आ गया कि दो पांच आठ ग्यारह दौट का ग्यारहवां पद क्या होगा, हमें ग्यारहवां पद निकाले कि ग्यारहवां पद है क्या। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या, जो पहला संख्या उसको हमें ए मानना है, क्या मानना है ए, तो लिख लेंगे ए बराबर हो गया टू, ए बराबर टू हो गया। इसके बाद हमें निकालना होगा डी, क्या निकालना होगा डी, डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन, क्या होता है डी का, ए टू माइनस ए वन लिख देता है, समझे ना, ए टू माइनस ए वन डी का फॉर्मूला। तो देखिए डी बराबर ए टू का मतलब दूसरा संख्या, ए वन का मतलब पहला, तो ए टू हो गया पांच, ए वन हो गया टू, तो हमें पांच माइनस टू करना है, तो डी बराबर हो गया कितना, पांच से अगर हम टू को अगर घटाते हैं हो गया तीन, डी का मान निकल गया तीन। अब यहाँ पर समझ रहे इसको हम क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, देखिए अगर अगर वा जिसमें वा लगा रहे ना उसको मानेंगे एन, क्या मानेंगे एन, जिस यहाँ पर जो ग्यारहवां बारहवां तिहत्तरवां जो कुछ भी दे दे जिसमें वा लग गया, जिसमें क्या लग गया वा, उसको मान लेंगे ए, अगर वा नहीं है अगर पद अगर दिया है तो इसको मान लेंगे ए एन, क्या मान लेंगे ए एन मानेंगे। तो यहाँ पर हमें वा लगा है तो वा जो लगा है तो उसको मानेंगे एन, हो गया एन, क्या मान हो गया यहाँ पर ग्यारह, एन कितना हो गया ग्यारह। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर, देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर जो हमें ए का मान पहले फिल करना है, ए का मान कितना लेंगे टू प्लस एन, एन का मान कितना है, जब यहाँ पर एन है ना एन का मान ग्यारह यानी वहाँ वाला, तो ग्यारह माइनस वन और इंटू डी, डी का मान कितना है तीन, यहाँ पर लेंगे तीन। देखिए टू प्लस अगर ग्यारह से एक को घटाते हैं तो कितना होता है दस, कितना होता है दस और गुणे यह तीन। देखिए टू प्लस दस के तीन का हम गुना करते हैं क्या होता है दस तिया तीस, और तीस को दो को कर हम इस दोनों को अपना एक ना करेंगे यानी जोड़ेंगे, तीस से दो क्या होता है बत्तीस, इसका आंसर हो गया डायरेक्ट हमको बत्तीस, क्या हो गया बत्तीस हो गया इसका आंसर। देख ये भी जो आपका क्वेश्चन हो गया फिट, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, इससे सही तरीके से और हम समझाएंगे। इसके बाद है अठारह और बहत्तर का नौ सौ होगा, देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है, इतना कमाल का क्वेश्चन मिलने नहीं करता है। यहाँ पर अठारह और बत्तीस का नौ सौ और यहाँ पर नौ सौ, तो हमें अठारह से बहत्तर में नौ सौ यानी महत्तम समावर्तक करना है। सबसे पहले तो हमें इसका जो है चुटकी बजाते आंसर है अठारह चौका बहत्तर, सिर्फ अठारह हो गया इसका आंसर, और कैसे हो गया सो देखिए, तो अठारह सौ में बहत्तर में मौ सकर अठारह चुक्की बहत्तर कितना हो गया। देखिए मौ सौ में कौन सा आंसर होता है वो समझना है आप लोगों को, ये नहीं कि आगे वाले जो है मतलब जितने से लगा उसको हम कह देंगे आंसर, ये नहीं होगा, ये गलती हो जाएगा। मौ सौ में कितना क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं, जो अंक से हम यानी भागा यानी मौ सौ निकालते हैं वही हमारा आंसर होता है, क्या होता है
आंसर होता है। तो हम 18 से ना 72 में यानी महोत्सव निकाले, तो इसका महोत्सव हो गया क्या 18, क्या हो गया महोत्सव 18 हो गया महोत्सव। इसके बाद अब देखते हैं यह भी हो गया कंप्लीट, अगर 18 72 का महोत्सव 18। वैसे देखिए ऐसे और आता है, मतलब कहेगा कि 3 और 6 का महोत्सव कितना होगा, महोत्सव 3 और 6 का महोत्सव कितना होगा बताइए, तो 3 होगा, क्यों होगा 3, देखिए 3 से अगर हम 6 में निकालते हैं 3 दूनी 6 कितने सम यानी महोत्सव निकाले हैं 3 से, उसका आंसर हो गया 3, क्या हो गया 3। वैसे यहाँ पर महोत्सव निकाले हैं 2 दूनी 4 ये 2 है, तो 10 से हम 12 में महोत्सव निकाले हैं, तो ये यहाँ पर जो है लास्ट में अगर कटा है तो इसका महोत्सव हो गया ये 2, समझे ना, ये होता है महोत्सव। तो यही है महोत्सव निकालने का तरीका। अब देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध होगा, देखिए यहाँ पर कितना जो है जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यह है। क्या है क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप के क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोले 20 मार्क आपको पक्का है यहाँ पर, और इसको हम समझा करके इसी के अनुसार और क्वेश्चन हम सिखाएंगे। देखिए तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध, तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं गिनती के संख्या को क्या कहता है प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या, तो मैं 5 प्राकृतिक संख्या लिखना है, कितने पूछा 5, अगर 7 को अगर पूछते 7 प्राकृतिक संख्या तो 7 लिखते, अगर 5 को पूछता है 5 प्राकृतिक संख्या का मान, तो सिर्फ 5 संख्या लेंगे, कह लो 5, देखिए 1+2+3+4+5 सभी को हमें प्लस पे करना, इस चीज में प्लस में, और बट्टे कई को पूछता है 5 को, 1 2 3 4 5 को है, बट्टे कर देंगे 5, क्या कर देंगे 5, और यहाँ पर सभी को हमें ऐड कर, ऊपर वाले को क्या करना है ऐड, 5 4 9 3 12 2 4 1 15, फिर यहाँ पर 15 बट्टे 5, 5 3 15, इसका आंसर हो गया कितना 3। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3। अगर किसी भी प्रकार के अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो वही करना है, अगर आप लोगों को यहाँ पर पूछ दे कि इस तरीका का क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को, अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए पर एग्जाम में कि 2 6 5 4 का माध माध क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा यहाँ पर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और आता भी है 2 6 5 कोई भी अंक दे दे यहाँ पर इसका माध होगा क्या, तो ज्यादा इसमें घबराने की नहीं है, यही तरीका उसमें अपनाना है। 2+6+5+4 जो अंक है ना उसको हमें क्या कर लेना है सबसे पहले ऐड करना है, यदि जोड़ना है जितना अंक है सभी को हमें प्लस में कर लेना है और बट्टे करना है, क्या हुआ 1 2 3 4 है ना, तो बट्टे हमें क्या करना है 4, गिन कितना अंक है उसमें उतना बट्टे में और सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे 5 4 9 6 15 2 17 हो गया, 17 बट्टे 4 इसको हमें भागा कर देना है, 10 में चला गया, समझ गया, वही होता है माध, क्या होता है माध। वैसे माध्यक इसी टाइप क्या है यहाँ पर माध्यक पूछ लिया है, तो माध्यक में हम क्या करेंगे, माध्यक में हम करेंगे क्या, यह 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है, इसमें किसी प्रकार का जो है ना घबराने का नहीं है, नहीं तो ज्यादा इसमें पेज खर्चा करने का, नहीं तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने का, चुटकी बजाएंगे इसका आंसर देंगे चुटकी में, और चुटकी में का इसका आंसर होगा आप सो देखिए, यहाँ पर हम चुटकियों में दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको हम सजातीय क्रम में लिख लेंगे यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में क्या कर लेंगे सजा लेंगे, तो देखिए सब और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले छोटा अंक से चलना पड़ता है, कौन से अंक से छोटा अंक से, इसमें सबसे छोटा कौन है इसको आप सबसे पहले देख लीजिए, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 हो गया, इससे बड़ा कौन है 6 के बाद 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा कौन है इसमें, 8 से बड़ा इसमें दिखाई दे रहा 12 से बड़ा है 13 से बड़ा 14 से बड़ा 15 यही है, और यहाँ पर हमें जो है ना जोड़ा लगा लेना है दोनों ओर से,
बाएं दाएं दोनों ओर से में क्या करना है, जोड़ा लगा लेना है, जितना संख्या इधर लेना उतना संख्या इधर भी लेना है। तीन तीन को संख्या हम इधर ले तो तीन को संख्या हम इधर भी लेंगे। अब बीच में जो बच गया, हमें दोनों ओर से जोड़ा लगाने के बाद बीच में जो बच गया वही हो गया क्या, माध्यक। क्या हो गया, माध्यक। इसका माध्यक क्या हो गया, 12। है किसी प्रकार की दिक्कत, चुटकी बजाओ आंसर हो, यही तो ट्रिक है। और नहीं तो बनाने के अगर चक्कर में रहेंगे, अगर एक एक करके बना करके हम एग्जाम में जो हम घेरा लगाएंगे तो लगता है कि पूर्ण रूप से पूरे टाइम हम अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तब पर भी संभव नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक लगाना है और आंसर देना है ताकि हम सभी प्रश्न का जो है हल बहुत कम समय में दे सके, समझ गए। और हम यहाँ पर बोले थे कि और क्वेश्चन इसी टाइप का है, जरूर है इसी टाइप का और क्वेश्चन, और यहाँ पर अभी हम दिखाते हैं। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या अगर पूछ दिया जाए, प्रथम पांच सम संख्या का माध क्या होगा, प्रथम पांच सम संख्या का माध क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए प्रथम पांच सम संख्या क्या, प्रथम पांच सम संख्या, तो सम संख्या का माध निकालने के लिए भी ज्यादा जो है परेशानी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्या बोले है, प्रथम पांच सम संख्या का माध, प्रथम पांच सम संख्या का माध। तो सम संख्या क्या है, जो संख्या दो से कट जाए, जो संख्या दो से कट जाए क्या करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। देखिए दो प्लस में लिख लेता, दो चार छ आठ दस, एक दो तीन चार पाँच हुआ ना, पाँच लिख लिया सम संख्या। और बट्टा क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टा कितना करना है आपको, पाँच। क्यों करना है पाँच, क्योंकि हमें पूछा गया है पाँच, पाँच सम संख्या का माध पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं, तो बट्टा हमें करना है पाँच। अब सभी को क्या करना है, एड करना है, क्या करना है, एड। तो हो गया दस आठ अठारह, अठारह छः कौन जोड़ लेंगे, चौबीस, चौबीस चार अट्ठाईस दो तीस, यहाँ पर हो गया तीस बट्टे कितना, पाँच, पाँच छक्के तीस, इसका माध हो गया कितना, छ, कितना हो गया, छ, माध कितना हो गया, छ। है किसी प्रकार की दिक्कत, नहीं है। पाँच तो पहले सम संख्या का माध पूछा गया, वैसे ही पूछ लेगा पांच विषम संख्या का माध क्या होगा, पांच विषम संख्या का माध क्या होगा, इसमें भी वही तरीका देना है। तो सबसे पहले हमें समझ रहे कि विषम संख्या है क्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या या जिस संख्या में दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या में जो चलना है, एक तीन पांच सात नौ, ये सब क्या विषम संख्या, वैसे पांच विषम संख्या लिख लेना है आपको, और फिर उसी तरीके से जोड़ करके जितना पूछा उतना से भाग कर देंगे, पांच विषम संख्या का माध हो गया। अगर पूछेगा पांच अभाज्य संख्या का माध क्या होगा, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या, वैसी संख्या जो एक या अपने से कटे या एक या खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। फिर वैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ से चालू करेंगे, दो से, एक नहीं लेंगे, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। पांच अभाज्य संख्या लिख लेंगे, उसका भी वैसे ही माध निकाल लेंगे। तो वही है ट्रिक आपको माध निकालने का। तो हम आशा करेंगे आपको जो है इतना क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे हम देंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो हमारा बोर्ड जो है कोई ऐसा डिजिटल बोर्ड है नहीं, कोई हम बड़े शिक्षक है नहीं, इसलिए व्हाइट बोर्ड पर हम जो है आपको सिखाए हैं, जितना एक बार में क्वेश्चन यहाँ पर संभव हुआ उतना क्वेश्चन हम दिखाए हैं।
फिर हम अगले वीडियो में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन हम देंगे। तब तक इतना को जो है आप रिवाइज कीजिए और 2024 के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए, 2024 में तैयार हो जाइए 2024 के लिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का सामना करना होगा। अगर आप इस वीडियो को अगर मिस किया तो समझ लीजिए क्या होगा। इसीलिए अगर समझ आया होगा ये वीडियो में हमारे बताया गया क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।